it in the crossfire. Let's call it in the crossfire. Assalamu alaikum dosto, kya hai aap sab ki ummeed hai aap sab log sahi honge aur mazay mein honge. To dosto meri taraf se aap sabko juma mubarak. To abhi ja rahe hain namaz padhne jume ki. To aaj ka din karte hain shuru. Ummeed hai aap logon ko aaj ka vlog pasand aayega. बाकी ये खड़ी है मेरी गाड़ी, अबू लेके आए हैं नमाज पढ़ने के लिए और हम आए अपनी वैन में. चलें बाकी बाद में आपसे नमाज पढ़ने के बाद करता हूँ. सही है. और जुम्मे की नमाज हो गई ख़त्म. माशाल्लाह लोग देखो कितने आए नमाज पढ़ने. ये खड़ी है भाई शाहजेब की गाड़ी और वेट कर रहे हैं अब उनका. तो दो घंटे से हम लोग लगे हुए डिसाइड करने के जाना कहाँ पर है. सही है. जुम्मे की नमाज के बाद दो घंटे हम लोग फ़ोनों पे बहस ही करते रहे कि इधर जाना है नहीं उधर जाना है. अभी बहस होती रही कि अभी मिलेंगे ठीक है. अभी मैं असद को उठाऊँगा, शाहजेब को उठाऊँगा, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के ना इकट्ठे होकर साथ वगैरह सारे. तो हम लोग पहले डिसाइड करेंगे, लड़ेंगे बैठ के कहाँ जाना है. फिर जब डिसाइड होगा तो फिर वक्त नहीं होगा, फिर वक्त बहुत कम होगा, फिर अफरा तफरी होगी. बड़े लोग बड़े लोग बड़े लोग बहुत बड़े लोग सब क्यों सुधारना. और बड़े लोग आए हैं, उससे भी बड़े लोग आए. अच्छा सलाम करो यार. अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, हाउ आर यू. शाम में दरीस नहीं बनो ना यार. ये देखें असद भाई की ये बड़ी गाड़ी खड़ी है, ये छोटी गाड़ी खड़ी है, लेकिन असद भाई आज हमारे साथ है. क्यों असद भाई ऐसा क्यों आज? मेरी कहाँ गाड़ी है यार, ये पापा की गाड़ी है, मेरी कहाँ से आई? लेके तो आप घूम रहे होते हैं हर वक्त. आज क्या हुआ? तू पापा का नहीं रेंट में कभी अभी आगे वाली सीट की लड़ाई हो रही है. बंदे को चाहिए सलाम ले यार. सलाम बोले. वालेकुम सलाम. मैंने कोई चीज नहीं काटनी यार, इसमें बंदा नहीं काटता. ये उस दिन पता नहीं मैं ये गाड़ी की वीडियो बना रहा है. मैंने कुछ बोला इस बंदे ने, मैं समझा हटा देगा, मैंने कुछ नहीं कहा, इसने वो भी डाल दी. मैंने कहा जा यार. हां तो कह दे क्यों. मैं कह रहा हूं कि तो सब छोड़, बंदा कह रहा है बंदा चेक कर, गाड़ी चेक कर. वैसे ये है कहां का नंबर प्लेट मुझे नहीं पता, रशिया का मुझे लगता है. रशिया का एयरपोर्ट है. फोटो लेने दे कोई तो. ये यहां का सनमार्ट, यहां पर दुकानें सारी, सस्ता सस्ता माल है. और ये है मोस्टैंग. और इधर कर रहे हैं ये लोग डिसाइड अभी तक कि कहाँ पर जाना है. और ये खड़े हैं हमारे साथ भाई शाहजेब भाई, हमारे बहुत गर्म हुए हैं शाहजेब भाई. ये असद भाई पोलैंड डलता है. ये हमारी मशहूर हस्ती आरफ भाई, सलाले के सबसे पुराने बंदे. वैसे ये यूट्यूब पे जाएगा. सही है.
कांत पे आते हैं। ये सुल्तान भाई हमारे फोटोग्राफी कर रहे हैं और हमने इनको पकड़ लिया, छापा पड़ा है यहाँ। बाकी सीन चेक करो यहाँ के। तो असद भाई, ये जगह के बारे में कुछ बताएं। कौन सी जगह? ये जगह के बारे में। मैं खुद पहली बार आया, मैं क्या पता इसका। तो ये जगह जो है, ये सलाला पोर्ट के अंदर है। इसे कहते हैं प्राइवेट बीच। यहाँ का बड़ा प्यारा मॉल है। हाँ प्राइवेट ही है, क्योंकि इसका नाम नहीं है, इसलिए प्राइवेट है। क्योंकि इसका नाम नहीं है, ये स्पेशल इधर, ये जो पीछे है ना विलास, इनके लिए बना है। और यहाँ का पानी देखो कितना साफ है। पहले हम लोग काफ़ी नहीं थे, तो अब सात भाई भी यहाँ पर फोटोएँ बनवा रहे हैं अपनी, और हम लोग भी केव में अपनी फोटोएँ बनवा रहे हैं। तो आज सारा दिन लड़ झगड़ के, बहस कर कर के, तकरीबन हम लोग कितने बजे हैं, 4:30 हो गए हैं और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और दो बगैरत की वजह से, दो बगैरतों की वजह से। ये पीछे दिखाओ, एक ये इसका बूथा दिखाओ, एक उसका बूथा दिखाओ। ये देखें, ये हमारे असद भाई, और ये शायद फिर से बहस शुरू होने लगी है। तो उधर से पैदल जाएगा जब्बा सामान का, हमने भी सोचा था लेकिन लेट हो गया। कौन से जाएगा उधर? तकरीबन 1.5-2 घंटे लगते हैं। नहीं कांटे, इस जगह में हम लोग पहले आए थे, यहाँ पर आया था मैं शायद अपने दूसरे व्लॉग में, उसामा और इत्तेशाम और लड़के थे मेरे साथ, इधर आया था मैं। तो इस पहाड़ के पीछे गए थे हम लोग, जहाँ पर बहुत प्यारी जगह थी। अभी उधर ही जा रहे हैं, यादें ताज़ा करने। टारगेट खेल रहे थे, इनका स्टैमिना खत्म हो गया। चलो चलो यार, एंड फाइनली एट द टॉप, एंड फाइनली एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। केटू के ऊपर चढ़े हैं, केटू के ऊपर चढ़े हैं। वैसे यार कसम से बीच देख कितना प्यारा है, क्लियर बीच है। वो है जहाज, और ये है यहाँ का बीच। और हम लोग जहाँ आए थे लास्ट टाइम, वही यहाँ से जगह जाती है नीचे, लेकिन इधर पत्थर चुभते बहुत हैं। ये थकी हुई कौम बैठी हुई है। बाकी मैं इधर जा रहा हूँ नीचे, उधर जाके बैठने लगा हूँ। बाकी ये बंदा भी फुल एंजॉय कर रहा है, पर हम भी एंजॉय कर रहे हैं। We'll be right back.
और ये पकौड़े भाग दिए। बंदे को सुकून से बैठ नहीं देते, चीखे मारे चला 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 ऐसी चीखे। अब जा रहे हैं नीचे, कभी किसी ने नहीं मारा। और हम पहुंच गए फाइनली नीचे। आ जाइए, क्यों गुलाब। तो बाकी यहाँ का टूर हो गया कंप्लीट। तो अब हम जा रहे हैं तकरीबन यार पाकिस्तानी तरीका है बैठने का, चिल मोल है यार। ये देखना इसकी बहुत आवाज बहुत अच्छी है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और देखते हैं किधर जाना है हमने। सवारियाँ कृपया करके अपने पेटियाँ बांध लें अपनी अपनी। क्यों अब कौन सा डिलीट? ये है जी वाटर ब्रेक रिसोर्ट का, यहाँ पर आते हैं जी सारे फिशिंग के लिए। शाही कॉफी शुक्रन शुक्रन। ये है जी रिसोर्ट पोर्ट सलाला का। ये दुखी हाथ में बैठी हुई है, फोन इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा। ये इनको मैंने ना एक रोल दिया हुआ है फोन पकड़ने वाला। और शाहजेब भाई अपने दुखड़े रो रहे हैं साथ बैठ के, और वो मच्छी पकड़ा है। सनसेट हो रहा है। शाहजेब भाई हाय क्या प्यारा लग रहा है। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और ये है यहाँ के सारे मछेड़े बोलते हैं ना, मछेड़े हैं ना, हाँ फिशरमैन हैं। सही है सही है। असद भी पहले यही काम करता होता था, लेकिन अभी चलो तरक्की कर लिया उसने। ये सारी कश्तियां में सब कुछ ले रही है। असद भाई आज फिर जो एक्शन किया था यहाँ पर वापस कर रहे हैं, ठूस रहे हैं भर के। इससे प्यारी बॉल मिल रही है, भूल गया हूँ कैप्टन कौन सी। तो फिलहाल अभी दारिस बीच पे ये बीच साइड वाले होटल पे बैठे हूँ, तो एंजॉयमेंट चल रही है। तीसरे अगर मिल जाता है यूनिवर्सिटी में। और साथ भाई जा रहे हैं हमारे कल कहाँ पर? मस्कत। फिर कभी नहीं आएंगे? नहीं फिर। फिर कब आओगे? नेक्स्ट वीक से शायद नेक्स्ट वीक। तो लेट ही आओगे ना तकरीबन? दो हफ्ते यानी दो व्लॉग्स में आप नहीं आओगे। तो दो व्लॉग्स के लिए आपको बाय बाय। ठीक है हमारा भाई जा रहा, रोना आ रहा है, लेकिन सैड व्लॉग बना रहे हैं हम लोग। साथ भाई कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं अपने फैंस को बस यही कहना चाहता हूँ कि सी यू सून बस। ठीक है आज ओके बाय बाय। क्या टाटा।
तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह आज हम इस वीडियो का करते हैं एंड, क्योंकि सब लोग घर चले गए और सुबह से निकले हुए तो थक चुके हैं। तो अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Every brother is caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.